हे गाइस, मोटरोला ने अपना मोटो रेजर फोल्डिंग फोन कल लॉस एंजलिस में लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वही मोटो के फोल्डिंग फोन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उस फोन में आपको क्या स्पेक्स देखने को मिल जाता है और वो फोन कैसा है। इस फोन का मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। सो वेलकम बैक टू हदानी टेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, ये फोन डिजाइन से तो काफी यूनिक फोन है और देखने में काफी अच्छा लगता है, मगर दोस्तों ये फोल्डिंग फोन के नाम पे बहुत लूट रहे हैं, एकदम घटिया फोन कह सकते हैं अगर उसके इनोवेशन को ना देखा जाए, सिर्फ स्पेक्स को देखे तो। तो चलिए दोस्तों, स्पेक्स आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें आपको मात्र एक कैमरा मिलता है देखने को, रियर कैमरा एक ही है 16 मेगापिक्सल का, वो भी जो आपको वन प्लस 6 में जो सेंसर फ़ोन में देखने को मिलता था वही सेंसर लगा हुआ मिल जाता है, यानी कि कैमरा इसका पुराना है। और दोस्तों, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा आपको बस देखने को मिल रहा है। आजकल 32 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल की ओर लोग जा रहे हैं और ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत महान काम करते हुए। और दोस्तों, फ़ोन का डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है और इसका बैटरी इतना है कि इसमें आपको क्या बोलूं यार, 2510 mAh का आपको बैटरी देखने को मिलता है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 15 वाट का फास्ट चार्जिंग है, ये कुछ अच्छा लगा। मगर दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी खास देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ डिज़ाइन इसका फ़ोन का अच्छा है। इसमें आपको 2510 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि एक दिन से भी ज़्यादा चले, एक दिन गलती से बोला गया, मुझे नहीं लगता है 5-6 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा आपको ये। और दोस्तों, इसमें आपको सिम कार्ड लगाने के लिए कोई ट्रे नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कोई सिम ट्रे देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ ई सिम सपोर्ट करेगा सिंगल सिम। तो दोस्तों, कोई ई सिम नहीं देखने को, कोई भी सिम कार्ड ट्रे नहीं देखने को मिलेगा, मेमोरी कार्ड तो आप भूल ही जाइए। और दोस्तों, आपको इसमें फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है, वो नॉर्मल सा फिंगरप्रिंट नीचे जो मोटा सा चिन्ह है उसमें लगा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों, ये एक वही पुराना स्टाइल वाला मोटो रेजर ही फ़ोन है, बस इसमें आपको पूरा स्क्रीन देखने को मिल जाता है और फ़ोन को बंद करने पर एक आगे में स्क्रीन देखने को मिलता है, मगर दोस्तों वो स्क्रीन सिर्फ नोटिफिकेशन वगैरह के लिए है और कुछ नहीं है। आपको प्लास्टिक का ही डिस्प्ले मिलता है, आप ये नहीं समझिएगा कि आपको इसमें ग्लास वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, वो ये वैसा ही डिस्प्ले जैसा कि आपको सैमसंग के फोल्डेबल फ़ोन में देखने को मिलता है, यानी कि आपके नाखून से उस पर स्क्रैच आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरा यही ओपिनियन था फ़ोन का। फ़ोन का डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा इनोवेटिव फ़ोन है, मगर दोस्तों फ़ोन का स्पेक्स काफ़ी घटिया है। स्नैपड्रैगन आपको 710 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, वो भी पुराना प्रोसेसर यार, $1500 का ये फ़ोन का प्राइस है, तो कम से कम स्पेक्स तो अच्छा दे देते तो काफ़ी अच्छा लगता। अब देख लेते हैं इंडिया में अगर लॉन्च होता है तो कैसा हो सकता है, मे बी सिम ट्रे वगैरह दे दे, मुझे नहीं लगता सिम ट्रे देगा। 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको नहीं मिलेगा, वो तो पहले ही हट चुका है, तो उम्मीद करना बेकार है। सिम ट्रे नहीं दे रहे, 3.5 mm का ऑडियो जैक कैसे दे दे रहे हैं, मेरे ख्याल से चार्जिंग पॉइंट दे रहे हैं, वही बहुत बड़ा बात हो रहा है इस फ़ोन के लिए। तो दोस्तों, ये फ़ोन $1500 में काफ़ी ओवर प्राइज्ड है। 1500 में आप iPhone 11 Pro ले सकते हो, वो मैक्स वाला। तो दोस्तों, ये फ़ोन बेकार है एकदम मेरे ख्याल से। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता रहा है। दोस्तों, आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने टेक्निकल वीडियो अपलोड किया, आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।